अलीगढ़ के टप्पल बाजना अर्बन सेंटर से जुड़ी बड़ी खबर क्या है? प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में क्या कहा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर एयरपोर्ट के पास डेवलप की जाने वाली लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब यानी टप्पल बाजना अर्बन सेंटर को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट की डीपीआर बना रही कंपनी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट यमुना अथॉरिटी को सौंप दी है। इस कंपनी ने टप्पल बाजना अर्बन सेंटर को दिल्ली पलवल रेल मार्ग से जोड़ने का सुझाव दिया है। कंपनी अगले महीने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर सौंप देगी। यमुना अथॉरिटी मास्टर प्लान फेज 2 में मथुरा के राया में हेरिटेज सिटी और टप्पल में लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब डेवलप करने जा रही है। यूपी सरकार फेज 2 के मास्टर प्लान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। टप्पल में बनने वाले लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब की डीपीआर बनाने का जिम्मा यमुना प्राधिकरण ने डिलाइट कंपनी को दिया था। प्राधिकरण को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कंपनी ने इस हब को दिल्ली पलवल रेल मार्ग से जोड़ने का सुझाव दिया है। करीब 16 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाकर इस हब को रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने की भी योजना है। लॉजिस्टिक हब को फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि टप्पल अलीगढ़ राजमार्ग को चौड़ा किया जाएगा, इससे सड़क मार्ग के ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। यमुना प्राधिकरण की प्लानिंग ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिस जमीन की जरूरत है वो लैंड पूलिंग से हासिल की जाए। टप्पल बाजना अर्बन सेंटर जेवर एयरपोर्ट के नजदीक डेवलप किया जाएगा। इसमें मिक्स्ड लैंड यूज गतिविधियों के लिए सेक्टर आरक्षित हैं। अधिकारियों के मुताबिक जरूरत पड़ी तो लॉजिस्टिक हब के लिए नियमों में बदलाव भी किए जाएंगे। ये लॉजिस्टिक हब टप्पल बाजना में 11,104 हेक्टेयर में बनाया जाना है। ये इलाका जेवर एयरपोर्ट के पास है। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ 179.4 हेक्टेयर क्षेत्र उद्योगों और 1608.3 हेक्टेयर क्षेत्र मिश्रित भू उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा। इस शहर को 35 सेक्टर में बसाया जाएगा।